हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अरुण गोयल जी के रिटायरमेंट के बाद ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा, हिंदुस्तान बहुत जल्दी इलेक्शन मोड में जाने वाला है, तो इस तरीके के बहुत सारे चल रहे थे कि अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बनेगा, या राजीव कुमार अकेले देखेंगे क्योंकि वो चीफ है, उनके साथ में दो काम करने वाले थे, दोनों रिटायर कर चुके थे। तो आज बहुत ही गुड न्यूज़ मिला है अभी अभी, और आज 14 मार्च है, 14 मार्च को शाम में नोटिफिकेशन आया कि राष्ट्रपति के द्वारा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक नोटिफिकेशन आया है कि अभी दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। एक है गणेश कुमार, जो कि IAS हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, एंड दूसरा है सुखबीर सिंह संधू, ये भी रिटायर्ड IAS हैं, और दोनों को बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आई होप 2024 का इलेक्शन फेयर होगा, और ये दोनों एक पिलर की तरह रोल प्ले करेंगे, और राजीव कुमार के साथ है अच्छे से इलेक्शन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।